नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि 2024 के सियासी मुकाबले के लिए बिसात बिछ चुकी है। बिहार में भी चुनाव की बयार रफ्तार तेज पकड़ने लगी है। शनिवार को प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के बाद रविवार को पटना में तेजस्वी यादव की महारैली हुई। गांधी मैदान में इस रैली में राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए। देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तूफान शुरू होता है। यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है। ये बिहार जो है देश की राजनीति का नर्व सेंटर है, यहां से ही शुरुआत होती है। आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की इज्जत। जैसे मैंने यात्रा में कहा, अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हो, एक लाइन में समझा जा सकता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं हम। नारा तो ये होना चाहिए यूपी और बिहार मिलकर के, 80 और 40, 120 हराओ भाजपा हटाओ, 120 हराओ भाजपा हटाओ। किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं और 10 साल के उनके कार्यकाल में क्या उपलब्धि है जनता के लिए, ये बड़े सवाल हैं। हमें उम्मीद है यूपी के साथ साथ बिहार भी बदलाव की तरफ चलेगा। भाइयों, मोदी जी के स्टेट में 25,000 लोग सुसाइड करते हैं 3 साल में, क्योंकि नौकरी नहीं, खाने के लिए अन्न नहीं, काम नहीं। आज मोदी के स्टेट में 25,000 लोग 3 साल में मर चुके हैं, सुसाइड कर लिए। 500 स्टूडेंट सुसाइड कर लिए हैं, फिर भी मोदी कहते हैं ये मोदी की गारंटी। तुम्हारी गारंटी क्या है? सबको मालूम है, सबको धोखा देना यही गारंटी है आपकी। जहां तक मेरी नजर जा रही है केवल लोग ही लोग नजर आ रहे, लग रहा है समुद्र हो चुका है। मैदान में तो इतने लाखों लाख, 10 लाख से ज्यादा लोग आ गए, लेकिन सड़कों पर पत्थर के कई लोग अभी बाहर फंसे हुए हैं। प्रशासन ने रात भर तंग किया, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मजबूत इरादे के साथ, आप सब लोग यहाँ आए। पटना में, बिहार में पोस्टर लगवा रहे हैं नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय हैं, हमारे चाचा हैं, हम उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन पोस्टर लगवा रहे कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार। ये वही नीतीश कुमार जी हैं जब 2020 में हमने वादा किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कहां से आएगा पैसा, अपने बाप के पास से ला करके वेतन बांटेगा, असंभव है। सोचो जो 17 साल में नहीं हुआ, उसी मुख्यमंत्री से, उन्हीं के हाथों 17 महीनों में हमने इसी मैदान में लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। बिहार जैसा राज, एक से एक यहाँ पर वीर, एक से एक सुरमा यहाँ पैदा लिए बिहार में। इसी गांधी मैदान में
न जाने कितना बार देश भर के नेताओं का सभा और मीटिंग हुआ और यहीं से देश भर में संदेश गया, बिहार का हवा, इतने बिहार की हवा में दम है कि जो बिहार फैसला लेता है वही देश के लोग अनुकरण करते हैं। और आज कल यही होने वाला है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने राजकीय जुबली इंटर कॉलेज के मैदान में विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम में 1500 विद्यार्थियों को टैबलेट और 3000 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने 15 विद्यार्थियों को टैबलेट और 10 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन अपने हाथों से प्रदान किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने 26 माध्यमिक विद्यालयों में 17 करोड़ 35 लाख रुपए के प्रोजेक्ट अलंकार के कार्यों और 141 माध्यमिक विद्यालयों में 7 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 330 प्रीमियम स्मार्ट क्लासरूम का शिलान्यास भी किया। आपको बता दें कि इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को उन्होंने स्मार्ट क्लास का प्रमाण पत्र भी सौंपा। किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके, खासतौर पर जो चुनौती हमारे सामने आती है वह चुनौती होती है जैसे इस सदी की सबसे बड़ी महामारी थी कोरोना। कोरोना में स्कूल कॉलेज बंद हो गए, ठप हो गए, पठन पाठन बंद सा हो गया। उन स्थितियों में कैसे हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विजन दिया था कि अगर फिजिकली प्रेजेंस होना कठिन है तो हम लोग तकनीक का उपयोग करें, वर्चुअली। 2-3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 20 लाख से अधिक छात्रों को अब तक टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का काम किया है, जिस क्रम में आज गोरखपुर में भी 4000 से अधिक विद्यार्थियों को यह सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बिना भेदभाव के हर युवा को, जिससे वह तकनीकी दृष्टि डिजिटली अपने आप को सक्षम कर सके। 24 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसी मार्च महीने में नोटिफिकेशन जारी होगा। नोटिफिकेशन में जब चुनाव के परिणाम चुनाव चलेंगे उस समय हमारा नारा होना चाहिए, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार। का मतलब 2024 में, जब मई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश की बागडोर संभालेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ करके एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। विकसित भारत का मतलब हर नागरिक विकसित होगा, हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, सुविधाएं बढ़ेंगी, भारत सक्षम होगा, समर्थ होगा और भारत का कोई दुश्मन भारत को आंखें नहीं दिखा पाएगा। जो आंखें दिखाएगा तो उसको भी सबक सिखाने का काम करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हमारी होनी चाहिए। आपको मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेश भर के युवाओं को आश्वस्त करता हूं, युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। युवाओं का भविष्य उज्ज्वल है, हमारा युवा प्रतिभाशाली है, सक्षम है, उसको डिजिटली सक्षम बनाने के लिए सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और जो भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा जिंदगी भर वो जेल के अंदर सड़ेगा, और साथ साथ जो बाप दादों की प्रॉपर्टी होगी उसको भी सरकार जब्त करने का काम करेगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में घनश्याम सिंह लोधी को उम्मीदवार बनाया है।
आपको बता दें कि रामपुर में हुए 2019 के लोकसभा उपचुनाव में घनश्याम सिंह लोधी ने सपा को हराया था और अब फिर से पार्टी ने पहले लिस्ट में लोधी को रामपुर के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। रामपुर सांसद घनश्याम सिंह लोधी पर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में 2024 जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने उस पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद घनश्याम सिंह लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो सांसद जी आपको धन्यवाद कि आप हमारे साथ समय निकाला, और क्या कहेंगे अब 2019 में आपने समाजवादी पार्टी के गढ़ को हराने के बाद इस पर अपना जो वर्चस्व था वो कायम किया था, तो अब 2024 में कैसे इस सीट को जीतेंगे? देखिए, ये पहले तो गढ़ कहना गलत बात है, किसी का गढ़ लोकतंत्र में नहीं होता, लेकिन उतार चढ़ाव राजनीति में आते रहते हैं वो अलग है। सपा का यहाँ सांसद एक ही बार बना है, बाकी कांग्रेस के भाजपा के सांसद यहाँ रहे हैं, और 2022 से भारतीय जनता पार्टी का सांसद यहाँ पर है, और जनता के बीच में जाकर जो हमने काम किए हैं, जो हमारी पार्टी ने काम किए हैं, सबके सामने हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है, और तीसरी बार फिर माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन इन 10 सालों में वो कुछ कर दिखाया माननीय मोदी जी ने जो 65 सालों में विपक्ष नहीं कर पाया। तो जनता सब जानती है, चाहे भले इंडिया गठबंधन बना लें या गठबंधन बना लें, कुछ भी बना लें, क्योंकि गठबंधन उनके पहले भी रहे और आज भी गठबंधन की तैयारी में वो लोग हैं। मैं समझता हूँ कहीं गठबंधन नहीं टिक पाएगा, और यूपी में तो आपने देखा होगा जो दो लड़कों की जोड़ी आज बनी है, ये तो पहले भी बनी थी, तो पहले कुछ नहीं कर पाए, करिश्मा कर नहीं कर पाए, जनता ने उस समय नकार दिया था। अब तो सब लोगों ने देख लिया है कि जो चाहे अखिलेश जी हों चाहे राहुल जी हों, उन्हें पैर रखने को जमीन यूपी में नहीं मिलेगी। अच्छा, हमने खुद देखा है 2019 में अपने सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन आपने उस सीट पर कमल खिलाया, लोगों के बीच आप लगातार जो आपका कार्यकाल रहा लोगों के बीच पहुंचे, तो अब ऐसे में क्या लगता है मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो कितनी उम्मीद आपको उनसे लग रही है कि वो आपको इस बार वोट करेंगे और इस बार फिर आपको जीत हासिल कराएंगे? देखिए, हमारा रामपुर छोटा सा रामपुर है, और हमेशा ये भाईचारे का शहर रहा है, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब एक को साथ लेकर सब लोग चलते हैं। दुनिया में कहीं भी कुछ हुआ, लेकिन रामपुर में कभी दंगा फसाद नहीं हुआ, और चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई, सब बड़ा प्यार से यहाँ रहते हैं, और उसी को लेकर हम जनता के बीच में गए 2022 में भी, और 2022 में भी सब लोगों का प्यार और सब लोगों का आशीर्वाद हमें मिला, और फिर अब पार्टी ने दोबारा से मुझ पर विश्वास जताया है, और मैं उनके विश्वास को खरा उतरने के लिए जनता के बीच में जा रहा हूँ, और मुझे भी पूरी उम्मीद है कि जो मैंने 1.5 साल में काम किए हैं जनता के बीच में रहकर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, तो जनता का पूरा आशीर्वाद मुझे मिलेगा। तो आप सुन रहे थे सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी को, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी का अभी तक दूर दूर तक कोई प्रत्याशी दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल 2019 के हुए जो विधानसभा जो लोकसभा का उपचुनाव था, इसमें सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने समाजवादी पार्टी को करारी हार देने के बाद कमल खिलाया था, तो क्या 2024 में सांसद घनश्याम सिंह लोधी इस सीट पर फिर वर्चस्व कायम करेंगे या फिर क्या रहने वाला है? इंडिया वॉइस के लिए सुरेश दिवाकर। अलीगढ़ के थाना जवां क्षेत्र के ग्राम सिकंदरपुर में बिजली बिल जमा करने को लेकर परिवार के लोगों में मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस मारपीट में गर्भवती महिला सहित कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। घायल महिला और पीड़ित व्यक्ति ने थाने में इसकी शिकायत भी की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय पुलिस ने घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।